नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज है सुपर संडे, लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नया अध्याय। साथियों, आज आपका हम एक और नए अध्याय से अध्याय में आगाज करते हैं। पिछला अध्याय ऑडियो ओडासिटी जो हमने समाप्त कर चुके हैं, जिसको हम समाप्त कर चुके हैं, अब उसके बाद काफी चीजों को परखने के बाद, तोल सोच विचार करने के बाद, हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने आग्रह किया कि देव भाई जोल पर वीडियोस बहुत लोग लेकर आ चुके हैं, पर हमने कभी FS रीडर पर वीडियो नहीं देखी है। ठीक है, तो साथियों, अब टेक्निकल क्लासेस ने फिर सोचा कि कुछ अलग किया जाए। ठीक है, जोज हो गया, NVIDIA हो गया, है तो स्क्रीन रीडर, पर भाई FS रीडर भी तो एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जोज के साथ इंस्टॉल हो जाता है, और आपको बड़ा मजा भी आता है उसको चलाने में, है ना। जब हम जोज चला रहे होते हैं, क्या मजा आता है उसके अंदर। फीमेल वॉइस, लड़की मेल वाइस, नील, ऋषि, लेखा, इन सबको सुनकर तो मतलब मन खिल उठता है ना। तो साथियों, किसी ने भी FS रीडर पर बात नहीं करी है ना, तो कोई बात नहीं, टेक्निकल क्लासेस फॉर VI यूट्यूब चैनल है ही, और हमारे बहुत अजीज साथी जिन्होंने हमें इस बारे में बताया, उनसे आपको मिलवाएंगे, कोई बात नहीं, कभी अभी नहीं फिर कभी। तो आइए मिलकर हाथ मिलाए, सीखिए और सिखाए। तो साथियों, FS रीडर क्यों यूज किया जाता है ना, वो जान लेते हैं। Freedom Scientific FS Reader Daily Player Software opens a world of accessible reading material. Freedom Scientific FS Reader Daily Player for people who are blind or visually impaired. DAISY is an acronym for Digital Accessible Information. The majority of Freedom Scientific's training materials are in DAISY format, with formats other than. ठीक है, तो जो ब्लाइंड पीपल्स हैं और जो विजुअली इंपेयर्ड हैं वो इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। There are many kinds of DAISY books, ranging from audio only to text only. Books with both full text and full audio offer the fullest and richest reading experience. You may also use FS Reader to read other DAISY books besides those created by Freedom Scientific. ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था साथियों इसका, जो मैंने आपको सोचा कि पढ़ा दिया जाए। There are many kinds of DAISY books, ranging from audio only to text only. Books with both full text. The table below lists a few of the more common navigation quick keys you may use when reading in. Commonly used navigation quick keys, description quick keys, radio button A. ठीक है, अब इसके फर्स्ट पार्ट का आगाज करते हैं हम इसमें। When commonly used navigation quick keys, description quick key, radio button A, menu. Menu, set default paste dot escape, leaving description quick key, radio button A, description quick key, so menu आज, table, paste option, escape, edit. आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्विक कीज। ठीक है, क्या है फर्स्ट टॉपिक है क्विक कीज। ठीक है, रेडियो बटन A, बटन B, बटन रेडियो बटन के लिए A प्रेस करना है, बटन के लिए B प्रेस करना है, combo box C, कॉम्बो बॉक्स के लिए सी प्रेस करना है, एडिट बॉक्स ई, एडिट बॉक्स के लिए ई प्रेस करना है, फॉर्म कंट्रोल एफ, फॉर्म्स कंट्रोल एफ। तो साथियों, ये कीबोर्ड शॉर्टकट है इसके FS रीडर के, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, पर बात ऐसी है कि अगर हमें ये शॉर्टकट ही नहीं पता होंगे तो हम FS रीडर को यूज कैसे करेंगे, कॉमन सी बात है ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको इन्हीं कीज के बारे में बताने का निश्चय किया है। तो आगे देखते हैं। ग्राफिक जी, ग्राफिक के लिए जी, हेडिंग एच, हेडिंग के लिए एच, स्पेलिंग एरर, प्लेस मार्कर के, प्लेस मार्कर के लिए के, आउट ऑफ स्पेलिंग एरर, लिस्ट एल, लिस्ट के लिए एल, पैराग्राफ टी, पैराग्राफ के लिए पी, रीजन आर, रीजन आर, टेबल टी, टेबल टी, चेकबॉक्स एक्स, चेकबॉक्स एक्स। तो साथियों, यहाँ आकर मुझे अपने इस ऑडियो को विश्राम देना होगा, क्योंकि ये चेकबॉक्स
एक्स वाली कमांड थी जो वो अंतिम कमांड थी, ठीक है। आप मुझे ये बताना कि आपको ये अध्याय कैसा लगा, ठीक है। और अब आप सोचोगे देख भाई तो जाने की बात करने लग गए, पर हमें अपने साथी का नाम तो पता ही नहीं चला जिसने इनको ये वीडियो रेकमेंड की। तो साथियों उनका उस टीम मेंबर का नाम आपको बताया जाए या ना बताया जाए, चलो छोड़ो, ज्यादा सस्पेंस में क्रिएट नहीं करता हूँ मैं, आपको उनका नाम बताता हूँ। उनका नाम है योगेश शर्मा। तो साथियों उन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बोला और उसके बाद मेरे कुछ और टीम मेंबर्स ने भी उनकी बात को फुली सपोर्ट किया और उसके बाद फाइनल निश्चय ये हुआ कि आपको सुपर संडे के दिन FS रीडर की प्लेलिस्ट में एक एक अध्याय देखने को मिलेगा FS रीडर का। तो साथियों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ।